हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस करंट अफेयर मॉड्यूल विच इज फ्रॉम 25th टू 27th ऑफ ऑगस्ट। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट प्रो टैलेंट्स करंट अफेयर मॉड्यूल इज हेल्पिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ द वेरियस इश्यूज आर हैपनिंग अराउंड अस एंड हाउ डू वी डिसाइड अबाउट वॉट टू रिमेंबर वॉट नॉट टू रिमेंबर। दिस इज अ पार्ट ऑफ आर क्लैट 2021 कोर्स। दोस्तों, हमारा क्लैट 2021 का जो कोर्स है, देर आर टू कोर्सेज अवेलेबल, वन इज अ मास्टर कोर्स एंड अदर इज अ गोल्ड कोर्स, एंड बोथ आर अ वंडरफुल कोर्स वेर इन वी आर रेगुलरली यू कैन से कीपिंग इन टच विद द स्टूडेंट्स, ट्राइंग टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द सिनारियो हैपनिंग अराउंड देम विथ ऑल द एरियाज। ओके, ऑल फाइव एरियाज आर कवर्ड इन अ ग्रेट मैनर दोस्तों, सो डू नॉट मिस आउट टू परचेज दिस कोर्स फ्रॉम protalentdigital.com और फ्रॉम अ वेबसाइट कॉल्ड courses.protalentdigital.com। ओके, यहाँ से आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आई एम श्योर आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ये छह मुद्दों के बारे में। वी स्टार्ट विथ गुड बाई INS विराट, ठीक है, पॉसिबली लॉन्गेस्ट सर्विंग से शिप INS विराट। एक तरफ डिमांड हो रही थी कि उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, बट यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट इज़ अ बिग यू कैन से शिप, और उसको मेंटेन करना इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ों को मेंटेन करने से बेटर कि उसको लेकिन से तोड़ दिया जाए, और तोड़ने से उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ली जाए, क्योंकि म्यूजियम में रखने से इकोनॉमिक वैल्यू तो होगी नहीं, पर एक तरफ इकोनॉमिक वैल्यू है और दूसरी तरफ उसके साथ जुड़ी हुई नेशनल सेंटिमेंट, इमोशनल सेंटिमेंट है। हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों दो मिनट में। चाइना प्रोवाइड्स फ्रिगेट टू पाकिस्तान, हम बात कर रहे हैं वापस लेकिन से आर्म्स एमिनेशन रिलेटेड। तो फ्रिगेट एक छोटा सा जहाज होता है जो पाकिस्तान को चाइना देने वाला, और चाइना ने लेकिन से ऐसे बहुत सारे जहाज बनाने का वादा किया है पाकिस्तान को। लीबिया के अंदर सीज फायर हुआ, नाउ लीबिया वाज एट द पीक ऑफ अरब स्प्रिंग सिंस 2011 में, जब लेकिन से एक छोटी सी जगह टूनिशिया से जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई और वो पूरी सब जगह फैल गई। तो हम आज बात करेंगे ये अरब स्प्रिंग है क्या, 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से हम पहुँचेंगे लीबिया, और लीबिया में एग्जैक्टली हुआ क्या, आज क्या हो रहा है। फिशिंग रैकेट, आप में से बहुत सारे लोग शायद फंसे होंगे, है ना, और समझदार बच्चे होते जो बच जाते हैं, ये सुनो, ठीक है, आपके पापा मम्मी आपके रिलेटिव, ठीक है, बेसिकली इंटरनेट के माध्यम के द्वारा आपको फंसाया जाता है, ठीक है, आपसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन सीख करी जाती है और आपके बैंक अकाउंट से कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है। सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट्स, सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण रूलिंग, ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, INS विराट, ठीक है, अरब स्प्रिंग, सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके पास लेकिन से परमानेंट नॉलेज के तरीके से होना चाहिए। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करते हैं INS विराट, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपके सामने INS विराट, नाउ इट विल बी स्क्रैप्ड। जैसे हमने बात करी थी दैट ये जो शिप्स होते हैं जो बहुत ही कॉस्टली है, और उसके बाद जब उसका यूसेज रहता नहीं है, ठीक है, अभी ऑब्वियसली ये काफ़ी पुराना शिप हो जाता है तो उसका यूज़ नहीं हो पाता है, ठीक है, नेवी उसको यूज़ नहीं कर पाती है, करेगी तो उनके लिए बड़ी परेशानी होगी, तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, या तो डिस्कार्ड करेंगे तो दो ऑप्शन है, या तो म्यूजियम में डालिए, या तो एक तरीके से उसको पूरा स्क्रैप करिए। म्यूजियम में डालना का मतलब है उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस का पैसा आएगा, लोग म्यूजियम में एंट्री करेंगे और एंट्री फीस है। अब एंट्री फीस कितने लोग ऑन एन एवरेज, ठीक है ना, साल भर में मुझे नहीं लगता कि ये इसका जो मेंटेनेंस है वो अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों। ये INS विराट के मतलब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपको फ्लैट दिख रहा है उसके नीचे जो जगह दिख रही है वहाँ पे करीबन 8 या 9 माले का पूरा जहाज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या तगड़ा लेकिन से जो खाना वाना मिलता था वो तगड़ा था, ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें तो थी इसके साथ, ठीक है, इसके ऊपर करीबन लेकिन से 12-13 प्लेन रख सकते थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और करीबन 10-12 बोटें लगानी पड़ती थी, मतलब अपने आप में बहुत मज़ेदार है। अलंग करके शिपयार्ड है गुजरात में, वहाँ पे जाएगा दोस्तों, ये इंटरनेशनल शिपयार्ड है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो टूटने के लिए आते हैं, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट कम्स, दिस इज़ ह्यूज, ओके, दिस इज़ वंडरफुल, इतना पावरफुल, मैजेस्टिक, भव्य लेकिन से INS विराट है, और इससे भव्य इसका तो पास्ट है, इसने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश को, इसमें तो काबिले तारीफ है दोस्तों, ठीक है। सो INS विराट होल्ड्स अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप ऑफ द वर्ल्ड,
ओके, इट इज़ अ सेंटोर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, करीबन 27,800 टन का है, ब्रिटिश नेवी का ये सामान हमने लिया था। बिल्कुल देखिए दोस्तों, भारत के पास कभी भी उतने पैसे नहीं थे कि हम ओरिजिनल इक्विपमेंट खरीदे। ये तो अभी हम रिसेंटली रफाल ओरिजिनली हम खरीद के लाए, नहीं तो मिग ले लीजिए या एचएमएस हरमेस ले लीजिए, ठीक है, या एक से आईएनएस अरिहंत ले लीजिए, ये सब लोग सब हमने एक से शनिवार का सामान बोलते हैं ना, जो एक से वेस्टेज होता है, उन लोगों का वो हम खरीदते, रिफर्बिश्ड हमारे पास सामान आता है, ठीक है। 25 साल उसने एचएनएस हरमेस के तरीके से काम किया और उसके बाद हमने मई 1987 में उसको रिफर्बिश किया और हमारे यहाँ पे कमीशन किया, जैसे अभी हमने 10 सितंबर को राफाल को कमीशन किया था उसी तरीके से, ठीक है। सो दिस आर दी अगेन से लाइट फ्लीट कैरियर विच आर यूज इन वर्ल्ड वॉर टू में यूज हुआ था, ठीक है। विराट प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन ऑपरेशन जुपिटर, ठीक है, व्हेन वी हैड अगेन से श्रीलंका के अंदर जो पीस कीपिंग ऑपरेशन किया था वहाँ पे, या ऑपरेशन पराक्रम इन 2001-2002 जब पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था तब, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा द इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट हेलीकॉप्टर कॉल ध्रुव एंड रशियन ट्विन रोटर कोमोव हैज ऑल्सो बीन ऑपरेटेड फ्रॉम द शिप, तो यहाँ से हम प्लेन उड़ा सकते थे, हेलीकॉप्टर रख सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हमने मार्च 2017 में उसको डिकमीशन किया। डिकमीशन करने के बाद देर वॉज अ डाइसी सिनारियो, दे सेड वी विल ट्राई टू लेकिन से कीप दिस एज अ म्यूजियम, तो उन्होंने एक तरीके से म्यूजियम की तरीके से रखने की कोशिश करी बट इट कुडंट सर्वाइव, ओके। सो उसके पहले एक विक्रांत था, ठीक है, इट वॉज अ फर्स्ट कैरियर और उसको हमने स्क्रैप कर दिया था। सिमिलरली विराट हैज बीन स्क्रैप्ड, ओके। सो दिस इज हाउ द आइडिया इज, यू शुड रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा कैरियर था उसको हमने प्रिजर्व करने की भरपूर कोशिश करी, ठीक है। पर दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अब लड़ाई आ जाती है, कौन संभालेगा? स्टेट गवर्नमेंट संभालेगा, प्राइवेट बॉडी संभालेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेंगे, कौन संभालेगा? तो यहाँ पर लड़ाई हो गई, लेकिन से स्टेट गवर्नमेंट को दिया था, पर स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि ये सस्टेनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट तो दे ही नहीं पाएगा कभी भी, ठीक है। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश दोनों ने ट्राई किया, ठीक है भाई। इंडिया के पास अभी INS विक्रमादित्य है जो ओरिजिनली नोन एज एडमिरल गोर्शकोव, ठीक है, बोलते हैं इसको, ठीक है। केबीसी में इसके ऊपर 50 लाख का सवाल पूछा था, ठीक है, कि INS विक्रमादित्य का ओरिजिनल नाम, ठीक है, तो दैट इज हाउ दे विल बी आस्किंग यू इन द एग्जाम, दैट इज INS विराट का ओरिजिनल नाम क्या था, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी टॉक अबाउट चाइना, पाकिस्तान को तगड़ा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एडवांस नेवल वॉरशिप इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय चाइना टू पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। इट इज नोन एज टाइप 045 क्लास फ्रिगेट है। फ्रिगेट होती है छोटी सी मनवार होती है, छोटी सी एक शिप होती है, ठीक है, है ना, जो मतलब समुंदर में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ सकती है। दे आर नॉट कैरियर शिप, ओके, दे आर नॉट द कैरियर शिप, ध्यान रखना, ओके। नाउ इसको और इंडिया के तलवार क्लास को अगर कंपेयर किया जाए तो देखिए दोस्तों, तलवार क्लास, ठीक है, और टाइप 045, ठीक है, देयर वर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4,000 टन, विच मीन्स दैट द साइज और लेंथ इज अराउंड 130 मीटर, ठीक है, और उनके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है, दैट मीन्स वो दिखते नहीं है, मतलब रडार में कैप्चर नहीं हो पाते, इंफ्रारेड सिग्नल में कैप्चर नहीं हो पाते, दिस इज व्हाट दे एक्चुअली हैव अ गुड कैपेबिलिटी, ओके। दे हैव अ वेरी गुड मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, जो टाइप 054A में अवेलेबल है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव दिस, यू कैन से तलवार क्लास के ऊपर भी है, पर 054 के पास ऑब्वियसली थोड़ा सा बेहतर होगा, जस्ट लाइक जो भी नया कोई मॉडल आएगा फ़ोन का, उसका प्रीवियस मॉडल से तो ज़्यादा ही कुछ बेनिफिट होगा। सिमिलरली तलवार, क्योंकि वो पुराना यू कैन से मॉडल है, तो ये 054 के मुताबिक दिस इज़ अ न्यू मॉडल, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मल्टीपल मिसाइल साइमल्टेनियसली लॉन्च कर सकता है, ठीक है, है ना। सिंगल आर्म लॉन्चर भी है उसके पास, वन मिसाइल एट अ टाइम करता है, दैट इज तलवार, वाइल वो जो 054 है वो मल्टीपल मिसाइल एक साथ लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तलवार क्लास शिप यूजेस सुपरसोनिक क्लब एंड ब्रह्मोस मिसाइल, तो हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल यूज़ कर सकते हैं, यू नो सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, जिसकी स्पीड वुड बी मोर देन the sound of the speed of the sound, okay. रडार में ये लोग कैप्चर नहीं कर पाते, उनके पास भी रडार होते हैं, पैसिव रडार बोलते हैं, ठीक है, बैराक 8 मिसाइल को कैप्चर करने वाला कहानी। कमिंग बैक टू दिस लीबिया, ये रहा आपके सामने मेडिटेरेनियन सी के पास लीबिया,
मज़ेदार सा देश है दोस्तों, ठीक है। बाजू में यहाँ इजिप्ट है, आपको याद होगा यहाँ से इस लाइन से सुएस कैनल पास होती है, ये सुनो, सुएस कैनल बनाने के बाद, ठीक है, ब्रिटिशरों का दुनिया बदल गया, ठीक है। इंडिया से ये सुएस कैनल के रास्ते यूरोप में बहुत सारा सामान ये लोग भेजने लगे, ठीक है। इजिप्ट के बाजू में लीबिया, लीबिया या टूनिशिया या अल्जीरिया, ये सब डेवलप हुए वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जब ये कॉलोनियल पावर से मुक्त हुए, और मुक्त होने के बाद दे गुड एस्टैब्लिश देयर ओन रूल, एंड देयर ओन रूल इज बेसिकली अ डिक्टेटरशिप, क्योंकि डेमोक्रेसी के विचार तो पहुँचे नहीं थे, ठीक है, है ना। गांधी जी के विचार नहीं पहुँचे थे, अब्राहम लिंकन के विचार नहीं पहुँचे थे, ये सुनो, मतलब पहुँचे होंगे पर उतने बड़े लेवल पे नहीं पहुँचे, तो डिक्टेटर के पास पहुँच गया सब कुछ। तो शुरुआत हुई टूनिशिया से 2011 में, टूनिशिया नाम का छोटा सा देश, ठीक है। वहाँ पे डिक्टेटर्स थे और लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट करना चालू किया डिक्टेटर के खिलाफ, कि भैया डिक्टेटर साहब, आपकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें अपने हाथ में सरकार चाहिए, हम अपने आप में अपने बलबूते पे सरकार चलाएंगे, फिर जो वो जो भी होगा वो हमारा फ्यूचर है, ऐसा करके लोगों ने डिमांड किया, ठीक है। एक 26 साल का यंग बच्चा है ना, फ्रूट वेंडर था, ठीक है, उसने अपने आप को जिंदा जला दिया और वो वीडियो यूट्यूब पे फेमस हो गया, वायरल हो गया। टूनिशिया के लोग रास्ते पे आ गए और हल्ला किया, और हल्ला करके करीबन 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने वहाँ की सरकार को गिराकर अपनी सरकार वहाँ पे बिठा दी। टूनिशिया की तरफ से ये चालू होने वाला जास्मिन रेवोल्यूशन, ठीक है, सब जगह फैलने लगा, सबको लगा हम भी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर? लीबिया, जॉर्डन, ठीक है, सीरिया, ऐसे करते करते सब जगह फैलने लगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें फैलने लगी। लोगों को लगा जितना ईजी टूनिशिया में हो गया ना, उतना इजी हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये लीबिया के है ना डिक्टेटर साहब थे, मुअम्मर गद्दाफी, ठीक है। देखिए, यंग चैप थे, रिवोल्यूशन करके अपने हाथ में सब कुछ सत्ता ले ली थी, और धीरे 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 ये सिचुएशन पे पहुँचे, और जब लीबिया में एक से ये डिमांड आई दैट वी डू नॉट वॉन्ट अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, वी वॉन्ट टू गेट अवे विद दिस, है ना, हमको यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है, ऐसा करके जब उन्होंने डिमांड किया, तब लोगों ने हल्ला करना चालू किया। नॉट जस्ट, ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट अ रिवॉल्ट इन वन लीबिया, बट दिस इज इन अ वेरियस कंट्रीज, ओके, दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज जहाँ पर ये हुआ, ठीक है। और ये देखिए सब जगह पर हुआ, मोरक्को में हुआ, उधर इधर टूनिशिया में हुआ, लीबिया में हुआ, इजिप्ट में हुआ, सीरिया में हुआ, जॉर्डन में हुआ, यमन में हुआ, ठीक है, ये सब जगह पे अपराइजिंग हुए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होने लगी, ठीक है, है ना। और धीरे 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 यहाँ पे ये जो आप देखेंगे, कुछ कुछ जगह पे रिफॉर्म की बातें हो रही है, ठीक है, और बड़ी परेशानियाँ हो रही है। आप जो रेड में देख रहे हैं वहाँ तो परेशानियाँ और बढ़ गई, ठीक है, ऐसा सोचा गया कि बहुत ईजिली काम हो जाएगा, पर एक्चुअली हुआ नहीं। ये तीनों तीन जगह पे ये लोग लड़ाई में फंस गए, ठीक है, एंड दे वेंट इनटू सिविल वॉर, और ये वॉर इस लेवल तक पहुंच गई, इतनी परेशानी हो गई कि एट द एंड ऑफ द डे इस तरीके की हालत हो गई। ये मुअम्मर गद्दाफी साहब इस तरीके से आखिरी के दिनों में ये हालत पे थे, ठीक है। सो लीबिया वॉज रूल्ड बाई मुअम्मर गद्दाफी फॉर मोर देन 42 years, 1969 to 2011, जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर द ओवरटर्न द प्रीवियस मोनार्की एंड प्रोक्लेम्ड न्यू लीबियन अरब रिपब्लिक। ऑब्वियसली वो मोनार्की थी, मोनार्की को हटाकर लोग आए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में जो मोनार्की का कोई महत्व रहा नहीं, पूरे वर्ल्ड में मोनार्की चली गई, ठीक है, तो लोग रिपब्लिक बात पे आते थे, पर रिपब्लिक का जो नज़रिया होता है वो लोगों को समझ नहीं आया, कहाँ पे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में उनको डिफरेंस समझ में नहीं आया। इन 2011 द फर्स्ट सिविल वॉर ब्रोकआउट इन लीबिया, है ना, दैट वॉज अगेंस्ट द रेजिम ऑफ मुअम्मर गद्दाफी, ठीक है, विच ऑल स्टार्टेड फ्रॉम जास्मिन रेवोल्यूशन ऑफ टूनिशिया, ठीक है। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एंटी डिक्टेटोरियल प्रोटेस्ट अक्रॉस द अरब ग्रुप लाइक टूनिशिया, मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन। इट इज ऑल्सो नोन एज अरब स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग वर्ड यूज किया गया वेस्टर्न ग्रुप के द्वारा, स्प्रिंग वर्ड इसलिए यूज किया गया, दे सेड कि इट इज अ मतलब एक तरीके से डेजर्ट है, और डेजर्ट में पानी निकला, पानी निकला मतलब कैसे, डेमोक्रेसी की डिमांड आई, दैट इज वॉट दे वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश, ठीक है। अगर अरब कंट्रीज में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाती है, दिस इज इन फेवर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि वो फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी की वजह से दे विल बी इन अ पोजिशन टू गो फॉर लॉट ऑफ यू कैन से बिजनेसेस, ठीक है, ये उनके लिए बड़ा फायदा हो जाता है, ठीक है। मल्टी स्टेट नाटो
लेड कोएलिशन ने यहाँ पे अटैक करना चालू किया, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे ना वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो, नाटो इज सपोर्टेड बाय अमेरिकन ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये सब नो, ठीक है। तो भैया उनको लगता है कि हम डेमोक्रेसी के लिए तो हम बिग ब्रदर है, जहाँ कहीं डेमोक्रेसी की डिमांड आएगी हम वहाँ पहले पहुँच जाएंगे, दिस इज हाउ द एक्चुअल इवेंट, ठीक है। इवन यू कैन से नाटो इंटरवेंशन वॉज ऑल्सो बैक्ड बाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, रेजोल्यूशन 1973, ठीक है, उसके द्वारा। तो यहाँ से ये लड़ाइयाँ चालू होने लगी, लीबिया में, सीरिया में, यमेन में ग्रुप बनने लगे। ये लड़ाइयों में सबसे बड़ा अगर किसी को फायदा हुआ हो तो वो फायदा हुआ है आईएसआईएस को, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दैट इज यू कैन से एक टेररिस्ट ग्रुप को बड़ा फायदा हो गया, बिकॉज दे कुड एस्टैब्लिश देयर ओन रूलिंग, देयर ओन स्टेट इन दैट रीजन। ये बड़ी परेशानी हो गई, जब लेकिन से दो लोग लड़ते हैं तो फायदा हमेशा तीसरे को होता है, ये बात लेकिन से इस हिस्ट्री की लेसन से हमें समझ में आता है, ठीक है ना भाई। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बनने लगे लीबिया के अंदर, ठीक है, रिवोल्यूशनरी बनने लगे, जो लोग मुअम्मर गद्दाफी को सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके अगेंस्ट में थे, ठीक है, फिर उसमें धर्म के नाम पे के ऊपर बंटवारे होने लगे, फिर उसके अंदर वो बंटवारे होने लगे इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक स्टेट के नज़रिए से, इस तरीके से परेशानी हो गई। करीबन 400,000 लीबियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इन पास्ट 9 ईयर्स, थाउजेंड्स हैव बीन डाइड, है ना, मतलब क्या मतलब सिचुएशन होगी लीबिया में। बच्चा सुबह उठकर ये नहीं सोचेगा कि मैं एनलेट का एग्जाम दूं या क्लेट का एग्जाम दूं, ये कन्फ्यूजन उसके मन में नहीं है, उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं आज बचूंगा कि नहीं बचूंगा, या सुबह उठकर भगवान को प्रार्थना करता है कि थैंक यू भगवान मैं आज बच गया हूँ, ठीक है, बंदूक निकालता है और बाहर निकलता है, दिस इज हाउ द सिनेरियो इज, है ना, कोरोना इन्फेक्शन और बर्बादी कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज तो कोलेप्स हो गई है, भरपूर करप्शन चल रहा है वहाँ पे, है ना, जो अमीर क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो तो भरपूर इसका फायदा उठाएगा, ये सर हो, क्योंकि वो बच जाएंगे, उनके पास लेकिन से सपोर्ट है ना, कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी विल नॉट हैव, ठीक है। लीबिया इज अ मेंबर ऑफ ओपेक, ठीक है, विच इज अगेंस लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व का जो गणित है ना, उसका एक ग्रुप है, और उसमें लीबिया के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, ठीक है, तो ये ऑब्वियस है, लोगों को डिमांड होगी कि लीबिया के पास हम जाए। तो लीबिया का कैपिटल क्या है दोस्तों, लीबिया के प्रेसिडेंट कौन है, लीबिया की करेंसी क्या है, ये बता दीजिए फटाफट। इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज के बारे में बात करें तो एक बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी 19 जनवरी 2020 के बीच में, इट वॉज अटेंडेड बाई लीबियन पार्टीज एंड अदर कंसर्न कंट्रीज, और यहाँ पे 55 पॉइंट रोड मैप बनाया गया कि भाई हम फरवरी 2020 तक लेकिन से हम इसको ख़त्म करेंगे। यूएन आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया गया वहाँ पे कि भाई अब आर्म्स का कोई खरीदारी बिकवाली नहीं होगा। फिर वापस कायरो डिक्लेरेशन हुआ 6 जून, अब ये हुआ कोरोना के पहले, अब ये कोरोना के बीच में, ठीक है, तो सेकेंड लिबियन सिविल वॉर सीज फायर एस्टेब्लिश हो गया। यूएसए हैज ऑर्डर्ड इवैक्यूएशन ऑफ इट्स ट्रिप्स स्टेशन एट ट्राइपोली, इंडिया हैज ऑल्सो इवैक्यूएटेड देयर ओन पीपल। तो अब इन सब कहानियों में ये सीज फायर की जो बातें आ रही है लीबिया में, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, ठीक है। इंडिया बोलता है कि हम इस पर्टिकुलर कंफ्लिक्ट में से अब धीरे धीरे निकलना चाहते हैं, ठीक है ना, सो वी आर हैविंग इमीडिएट सेसेशन ऑफ ऑल हॉस्टिलिटीज इन द कंट्री, हम चाहते हैं कि इमीडिएटली जो भी हॉस्टिलिटीज है वो खत्म हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मिलिट्री एक्टिविटी देयर, बट इंडिया इज बॉदर्ड अबाउट यूएसएस इंटरवेंशन, कि भाई यूएसए अंदर पूरा घुसा हुआ है, ठीक है, और पूरा ये लगता है कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऐसा उनका बोलना है। तो इंडिया बोलता है कि इकोनॉमिक वे में, ठीक है, लीबिया एक तरीके से फ्रेंडली ग्रुप है हमारे लिए, पर क्या करे, वो हमारे लिए अच्छी तरीके से काम तो करता नहीं है, ठीक है, हमारा डायस्पोरा है वहाँ पे, करीबन 18,000 लोग इंडियन रहते हैं वहाँ पे, फॉरेन पॉलिसी हमारी उनके साथ बहुत रेगुलर एक्टिविटी तो नहीं है, बट एक तरीके से अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ है। क्या क्या राइवल फोर्सेस है वहाँ पे, ठीक है, देखिए दोस्तों, एक सेल्फ प्रोक्लेम लीबियन नेशनल आर्मी है, ठीक है, वो खुद की आर्मी है, ठीक है, खलीफा हफ्तार उनके लीडर है, ठीक है, फिर ट्राइपोली बेस्ड इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है वहाँ पे, तो एक इंटरनेशनली अप्रूव्ड बॉडी है वहाँ पे, ठीक है, सो ये दोनों साइड है। उसके अलावा एक इनसे लोकल आर्म्ड फैक्शन से छोटे छोटे ग्रुप है, उसके अलावा देर आर सपोर्टेड सपोर्ट्स विच आर कमिंग फ्रॉम यूएई, इजिप्त, रशिया, जॉर्डन, ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप है विच इज सपोर्टिंग यूएसए, टर्की और कतार के द्वारा सपोर्टेड है, सो जीएनए इज सपोर्टेड बाय यूएसए, टर्की, कतार, इजिप्त, रशिया, जॉर्डन इज सपोर्टिंग दिस एलएनए। तो ये लड़ाई है, अब लड़ाई का सीज फायर हो गया है, विच इज पॉजिटिव,
है ना, दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ कि ये लोग बोलते हैं हम डीमिलिटराइज करेंगे, एक सरते करके सिटी है उसको डीमिलिटराइज करेंगे बाय मार्च 2021 और हम ये सीज फायर चलाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव आइडिया, है ना, हमें हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। हरियाणा पुलिस हैज आइडेंटिफाइड अ फिशिंग रैकेट, जो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ में दिख रहा है वैसे होता है फिशिंग, है ना। आपने अपना कंप्यूटर चालू किया, कंप्यूटर में किसी ने आपको मेल भेजा और बोला कि आपके लिए, ठीक है, जो शक्तिकांता दास है उन्होंने स्पेशल आरबीआई की तरफ से साइन किया हुआ 50 करोड़ रुपये का एक बॉन्ड आपके लिए बना के रखा हुआ है, प्लीज़ आप उसको ले लीजिए, उसका एक छोटा सा अमाउंट आपको देना होगा और ये रही लिंक, आप भर दीजिए उसके बारे में। नाउ यू फील वाव, शक्तिकांत दास का फोटोग्राफ है, साइन है, आरबीआई का सिंबल है, सब कुछ बराबर है, वेबसाइट का नाम भी आरबीआई जैसा दिख रहा है, क्लिक किया, ठीक है, अब उसने आपके कंप्यूटर में मेलवेयर डाल दिया, आपका डेटा ले लिया, या तो आपने डेटा सामने से दे दिया, दिस इज हाउ दे एक्चुअली कैप्चर, ठीक है। तो ये बड़ी परेशानी हो रही है इंडिया में, हरियाणा पुलिस ने यहाँ पे बात किया, फ्रॉड्स वर डन यूजिंग फिशिंग एंड द यूज ऑफ ई सिम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिम, यू नो इलेक्ट्रॉनिक सिम्स, यस, आपके फोन में फिजिकल सिम है दोस्तों, याद है आपके पास फोन में जो फिजिकल सिम है वो, ठीक है, आपको याद है ये जो आजकल कारें निकल रही है, यू नो एमजी वाली कार, मॉरिस गराज की कार हेक्टर, यस, ठीक है, फिर ह्यूंडई वाली वेन्यू, बराबर है, ठीक है, या अभी तो आजकल जो जो भी कारें निकल रही है सभी कार में अब होता है इंटरनेट कनेक्टेड कार, ठीक है, तो उसी कार में एक इलेक्ट्रॉनिक सिम के द्वारा दे आर ट्राइंग टू अगेन से कनेक्ट दैट कार का पूरा कम्युनिकेशन डिवाइस विद द इंटरनेट, ठीक है। सो व्हाट इज अ फिशिंग, इट इज अ साइबर क्राइम विच इज अ टारगेट इन विच अ टारगेट और टारगेट्स आर कॉन्टेक्टेड बाई ई मेल और अ टेलीफोन और अ टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, सो दे आर पोजिंग एज अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन टू ल्यूर इंडिविजुअल्स इन टू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव डेटा, ठीक है, विच इज़ बेसिकली पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन, जैसे आपके बैंक अकाउंट का नंबर के साथ उसका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मतलब सब कुछ जो आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ई सिम क्या होता है, इट इज़ अ सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम बोलते हैं उसको, विच इज़ एम्बेडेड इन द फोन, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है, फिजिकल सिम निकाल दिया सकता है या नहीं निकाला जा सकता। ई सिम्स इनेबल यूजर्स टू चेंज सर्विस प्रोवाइडर थ्रू अ सिंपल प्रोसेस, मल्टीपल नेटवर्क्स एंड नंबर्स कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ई सिम, ठीक है, सो वन कैन हैव मोर देन वन नंबर ऑन दैट स्टफ। सो ये एक तरीके से मतलब लूटने के लिए मजेदार सा कहानी है। भारत में ऑनलाइन मॉनिटरी फ्रॉड बहुत होता है, 2019-20 में आरबीआई के द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन के द्वारा बैंक्स रिपोर्टेड 2678 कार्ड एंड इंटरनेट रिलेटेड फ्रॉड टोटलिंग 195 करोड़, ठीक है, अब ये तो रिपोर्टेड है, ठीक है, कितना पैसा 195 करोड़, ठीक है, अब ये नंबर कितना कम दिख रहा है आप समझ सकते हैं, ये नंबर कितना कम है। द करंट फिस्कल बिटवीन अप्रैल टू जून, ठीक है, बैंक्स रिपोर्टेड 530 फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डेबिट एंड आई कैन से क्रेडिट कार्ड एज वेल एज फिशिंग थिंग एक्टिविटी डन। आरबीआई ने बहुत सारे मेजर करे हैं साइबर सेफ्टी के लिए, उन्होंने ई बात प्रोग्राम चालू किया है, बहुत सारे कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, जहाँ पर बताते हैं कि आपको OTP पासवर्ड किसी को नहीं देना है, यू शुड नेवर प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ स्टफ, दिस इज वॉट दे सेड, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू अवर वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल टुडे टू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट ऑन द रिजर्वेशन इश्यूज। दोस्तों 5 जज की बेंच ने रिसेंटली ये जजमेंट हेल्ड किया था दैट स्टेट्स कैन सब क्लासीफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड SEBC टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वीकेस्ट आउट ऑफ द वीक। ओके, सो SCs, STs, SEBC के अंदर, वापस समझिए, SCs, STs और OBCs के अंदर, ठीक है, दैट इज SCBC बोलते हैं उसके अंदर, ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, अभी तक नहीं था। अगर कोई बंदा SC है या ST है तो बस उनको रिजर्वेशन मिलेगा, पर आपको याद होगा OBC के अंदर एक नया सिस्टम डेवलप किया था, नॉन क्रीमी लेयर, क्या बोलते थे उसको, नॉन क्रीमी लेयर,
उसकी वजह से होता ये था कि अगर आप ओबीसी में हो और अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो, व्हाट डू यू मीन बाय क्रीमी लेयर, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी थी, है ना, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पर अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो अब ये बात की जा रही है कि वीक तो थे एससीज और एसटीज और एसईबीसीज, अब उनमें से जो वीकेस्ट है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको मदद की जाए। द डिसीजन हैज ओवर रूल्ड द प्रीवियस जजमेंट ऑफ 2005 इन ईवी चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश, ठीक है, सेड दैट कि स्टेट गवर्नमेंट हैड नो पावर टू क्रिएट सब कैटेगरीज ऑफ एससीज फॉर द रिजर्वेशन पर्पस। ये उन्होंने ना बोल दिया था 2005 में, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये बदलाव आने की जरूरत पड़ी, देखते हैं उसको, दो मिनट रुक जाइए, ठीक है। सिंस अ बेंच ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ कैनॉट ओवर रूल अ प्रीवियस डिसीजन, कोर्ट ऑल्सो रेफर्ड दिस टू अ 7-judge bench, पहले भी 5 judge की बेंच थी, ये भी 5 judge, द जजमेंट वॉज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4-5 ऑफ सब पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2005। द एक्ट अलाउज 50% ऑफ रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट सीट इन स्टेट टू बी अलॉटेड टू बाल्मीकिस एंड मजहबी सिख, ठीक है, जो एससीज है उनमें उनका जो सीट है उनमें से कुछ सीटें विल बी अवेलेबल टू बाल्मीकि एंड मजहबी सिख, ओके, उनको देने की बात करी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों जजमेंट ने क्या बोला, रिजर्वेशन इज प्राइमरली क्रिएटेड क्यों, बिकॉज देर इज इनइक्वालिटी इज हैपनिंग इन द कास्ट, वेरियस रिजर्व कास्ट, ठीक है, देर इज अ कास्ट स्ट्रगल, ठीक है, बड़ी परेशानी है दोस्तों कास्ट स्ट्रगल की भारत में, है ना, एक पुराने कुछ हिस्टोरिकली चीज़ें चली आ रही है जिसकी वजह से हम आज परेशानी में बैठे हैं, और यही परेशानियों को करेक्ट करने के लिए हमने रिजर्वेशन की सिस्टम निकाली, ठीक है। सो दिस इज अ कास्ट स्ट्रगल विच इज स्टिल देयर इन अ रिजर्व क्लास एज वेल, ओके, रिजर्वेशन वॉज नॉट कंटेम्पलेटेड फॉर ऑल द टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी भर चलता रहेगा। आर्टिकल नंबर 334 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एड ओरिजिनली रिक्वायर्ड द रिजर्वेशन ऑफ द इलेक्टेड सीट्स टू सीज बाय 1960, ठीक है, बट ऑब्वियसली वो धीरे धीरे एक्सटेंड होते होते आज यू कैन से द लेटेस्ट वन बीइंग 104th अमेंडमेंट एक्सटेंडिंग इट टू 2030, ठीक है, ओके, चलिए अच्छी बात है ना, ऐसा हम नहीं बोलते कि अचानक से 1960 में खत्म हो जाए, जो पॉसिबल नहीं था, है ना, आप देखिए भारत आज़ाद हुआ 1947 में, आप 10 सालों में अपने आप को बदल दोगे, सोसाइटी बदल जाएगी, और ये जो नहीं होगा, मुझे लगता है कि करीबन 100-150 सालों की कैसे एक सिस्टम लगेगी तब जाकर ये बदलाव आएगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये जो कैसे चीज़ है जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जो अच्छी बात है, ठीक है, जो अच्छी बात है, यह अच्छी बात में सब क्लासिफिकेशन आना इज ऑल द मोर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सबको जरूरत है कि नहीं, दिस इज वेरी क्रूशियल। इफ द सब क्लासिफिकेशन इज डिनाइड इट वुड डिफीट द राइट टू इक्वालिटी बाय ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स, क्यों, समझिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 14 ये गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो हमने क्लासिफिकेशन निकाला, शेड्यूल कास्ट बोल दिया या शेड्यूल ट्राइब बोल दिया। अब दोस्तों इन शेड्यूल कास्ट और इन शेड्यूल ट्राइब में सभी लोगों को जरूरत तो नहीं होगी ना, ठीक है, सभी लोगों को जरूरत नहीं होगी, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई जिनको जरूरत है उन्हीं को आइडेंटिफाई करें, शायद उनको ज्यादा बेनिफिट दे, डू यू अंडरस्टैंड दिस, ताकि हम एक सही तरीके का रिजर्वेशन दे सके, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो अमंग एसीज there are some that remain grossly underrepresented, ठीक है, despite reservation and comparing with other super scheduled caste people, they are grossly, you can say not well represented, and that's the reason why it is really needed कि SCs में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको benefit नहीं मिल रहा है, चलिए पहले उनको पकड़ते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस रामचंद्र राजू कमीशन 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था, उन्होंने बोला था कि शेड्यूल कास्ट के जो अलग अलग कास्ट है उनमें सब डिवाइड किया जाए, 4 ग्रुप के लगाया जाए, एंड क्रीमी लेयर भी इसके अंदर एस्टैब्लिश किया जाए, जैसे ओबीसी में है, ओबीसी में क्रीमी लेयर सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। दोस्तों आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार ने स्पेशल कोटास इंट्रोड्यूस किए गए फॉर मोस्ट वल्नरेबल दलित। इन 2007 बिहार सेट अप अ महादलित कमीशन टू आइडेंटिफाई कास्ट विद इन एससीज दैट वर लेफ्ट बिहाइंड। इन तमिलनाडु 3% कोटा विद इन एससी कोटा इज अकॉर्डेड टू दिस अरुंधति यार कास्ट, समझिए दिस इज डेफिनेटली
अ प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी. वी आर नॉट अगेन से गेटिंग इन टू अ डिस्कशन कि रिजर्वेशन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, वो मतलब वो तो बात ही नहीं. दिस इज एक्सेप्टेड कि रिजर्वेशन है, ज़रूरत है, हम मानते हैं कि ज़रूरत है. अब उसके अंदर, अब उसके बेहतर वे में लोगों तक पहुँचाया जाए उसके बारे में बात है. ठीक है. नाउ द आइडिया हियर वॉज, अर्लियर जजमेंट वॉज स्टेट डिड नॉट हैव अ कम्पिटेंसी टू डू दैट. अब ये जजमेंट आया दैट स्टेट हैज़ अ कम्पिटेंसी. ठीक है. टू ग्रांट रिजर्वेशन बेनिफिट्स टू एससीज एंड एसटीज इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल नंबर 15(4) एंड 16(4). आपको याद होगा 15(6) एंड 16(6), 15 सब क्लॉज 6 एंड 16 सब क्लॉज 6 वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. प्राइमरली फॉर EWS. ठीक है. आप देखेंगे EWS का दुनिया क्या बनने वाला है, बट एनीवे. ठीक है. सो ये EWS के बारे में बात, मतलब सॉरी, ये सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात है. ठीक है. स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन द मैटर ऑफ प्रमोशन इन द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ देयर सिटीजन्स. ठीक है. सो दोस्तों, ये जो स्टेट के पास पावर है, इस पावर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जजमेंट दिया था इस बात के ऊपर. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके. सो स्टेट हैज अ पावर कमिंग फ्रॉम दिस अगेन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन. ओके. ठीक है. सो इससे पहले इंदिरा स्वानी का केस हुआ था, जिस केस का बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हमारे देश के अंदर, इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस. उस केस के द्वारा यह बताया गया कि रिजर्वेशन कभी भी 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना भैया. कैटेगराइज करनी चाहिए एससीज एसटीज बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. एंड दे ऑल्सो डेवलप अ कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर. उसके बाद ये आया चेनिया वाला केस. ठीक है. जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था दैट ओनली द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू नोटिफाई द इंक्लूजन ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट इन टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब. बट यस, अब इसको इन्होंने बदलाव करने की कोशिश करी है. यह बदलाव मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी था. ठीक है. नागराज केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ सुप्रीम कोर्ट सेड दैट गवर्नमेंट हैड टू कलेक्ट अ क्वांटिफाइबल डेटा शोइंग बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास एंड इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्लास इन अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. जनरल सिंह वर्सेज लच्छी नारायण केस के अंदर भी गवर्नमेंट ने बोला था देर इज नो नीड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा. ठीक है. सॉरी, देर इज नो नीड टू कलेक्ट दिस क्वांटिफाइबल डेटा. इट इज सिंपली यू कैन से एससी एसटी बैकवर्डनेस से ही काम हो जाएगा. बट रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि रिजर्वेशन ही अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, तो ये सब लड़ाइयाँ मेरे हिसाब से एक बहुत बड़े लेवल पे बदल रही है. चलिए, ग्रेट. हरिकेन लॉरा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों. हरिकेन लॉरा मेड अ लैंडफॉल इन लुजियाना, जो आपके सामने दिख रहा है. ये अलग अलग जगह है अमेरिका का, ये पूरा मैप है. यहाँ से इसका ये पाथ है और ये पाथ में अलग अलग तरीके से ये जाकर डिस्ट्रक्शन किया इसने, हरिकेन लॉरा. ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या लेवल का था, कौन सी कैटेगरी का था. कैटेगरी 1 to 5 है. इट वॉज ऑफ अ कैटेगरी 4. ठीक है, है ना. इट विल हैव अ कैटास्ट्रॉफिक डैमेज. दोस्तों ये देखिए, हरिकेन अगेन से लॉरा वॉज अ कैटेगरी 4. देखिए दोस्तों, कैटेगरी 4 स्टॉर्म था. कैटेगरी 4 स्टॉर्म हैज़ अ विंड स्पीड बिटवीन 130 to 156 माइल्स पर आवर एंड इट कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्रिंग डाउन पावर लाइन्स. दिस इज रियली अ वेरी बिग इश्यू. ओके. ठीक है. तो ये हरिकेन क्लासिफिकेशन इज कमिंग फ्रॉम साफिट सिम्पसन अगेन से विंड स्केल के ऊपर. ठीक है. देखिए दोस्तों, अलग अलग नाम होते हैं, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, विली विलीज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. ठीक है दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन में ऐसे जो भी होते हैं उसको साइक्लोन बोलते हैं. ठीक है. सो इंडिया में जो भी रिसेंटली साइक्लोन आए हो, बताइए दोस्तों. टाइफून इज प्राइमरली इन चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन में जो आता है वो. हरिकेन इज इन वेस्ट इंडियन आइलैंड एंड कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन में आता है वो. और टॉर्नेडो इज प्राइमरली इन सदर्न USA एंड वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में जो आता है वो. और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑस्ट्रेलिया में जो आता है उसको विली विलीज बोलते हैं. ये सब अलग अलग नाम है. घुमा फिरा के ये एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम के डिफरेंस की वजह से जो तेज़ी से हवा चलती है, और ये जो तेज़ी से हवा चलती है उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में बात होती है दोस्तों. ठीक है, है ना. इट वॉज अ लास्ट स्टॉर्म कॉल हरिकेन, है ना. ठीक है, जो कैटेगरी 1 स्टॉर्म था, अटलांटिक हरिकेन सीजन में आया था ये. ठीक है, और ये डिस्ट्रक्शन किया था, पर आप देखें वो स्टॉर्म लेवल 1 था. ये 4 नंबर का लेवल है. क्या बर्बादी करी होगी आपने, मतलब समझ सकते हैं. सो
विद दिस विल बी क्लोजिंग दिस सेशन फॉर द डे दोस्तों. ये अगस्त महीने के कुछ सेशन हैं जो हम रिकॉर्डेड मोड पे आपको दे रहे हैं, ठीक है. मोस्टली अगेन से फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, दैट इज सितंबर के शुरुआत वाले वीक से, विल बी इन अ पोजिशन टू गिव यू लाइव सेशंस. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कमिंग हियर. डू नॉट मिस आउट टू लाइक दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, पुट अ बेल आइकन एंड डू नॉट मिस आउट टू परचेज अवर क्लैट 2021 कोर्सेज. दे आर वंडरफुल कोर्सेज दोस्तों, बड़ा फायदा होगा. स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो कोर्सेज, वंडरफुल मॉड्यूल्स आर अवेलेबल एंड दे विल बी वेरी यूजफुल टू यू. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस. ऑल द बेस्ट.